आज NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे, पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले G20 वर्ड्स में भारत विश्व को और विश्व भारत को कर रहा तैयार। गांधी के बयान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा लंदन में राहुल की टिप्पणी देश का अपमान। रायबरेली में पूर्व एमएलए ने अदिति सिंह पर लगाए गंभीर आरोप, वर्तमान विधायक पर लगा रुपया हड़पने का आरोप। गाजीपुर में सांसद निरहुआ के करीबियों के बीच मारपीट, 8 के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रायबरेली के सदर विधानसभा सीट से भाजपा की विधायक अदिति सिंह पर सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने भाजपा विधायक पर रुपया हड़पने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। पूर्व विधायक का आरोप है कि भाजपा विधायक ने अपनी छोटी बहन की शादी के दौरान उनसे 50 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके एवज में उनके पास विधायक ने कुछ अपने जमीन के कागजात दिया था। इस लेन देन का हिसाब चुकता करने के लिए भाजपा विधायक ने एक साल का समय मांगा था। आरोप है कि विधायक ने उनका फोन रिसीव करना छोड़ दिया और उनसे बातचीत भी बंद कर दी। आज तक हम उनसे पैसे के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि आपने जिसको लिया है उससे पैसा मांगिए, हम इसके जिम्मेदार नहीं। और जब हमने संबंध किया तब हमको पता नहीं था कि ये उनके रिश्तेदार हैं, नहीं तो हम उनकी शादी, अपनी बेटी की शादी उस परिवार में कतई नहीं करते। और बेटी का दुर्भाग्य रहा, उसका 3 साल का 4 साल का जीवन बहुत कष्ट में बीता है। हमारी बेटी की दूसरी जिंदगी हमको मिली है। ये हाल है बड़े लोगों के, राज परिवार के, घरानों के लोगों का, ये अंदरूनी सच्चाई है। गाजीपुर में तड़वा टप्पा गांव में होली के दिन आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर में उनके करीबियों और दलित समाज के युवकों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी और मारपीट हुई, जिनमें कई लोग घायल हो गए, जिसको लेकर पुलिस ने शादियाबाद थाना में विभिन्न धाराओं समेत SC ST एक्ट में कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें सांसद दिनेश लाल निरहुआ का मैनेजर हरिकेश भी शामिल है। लड़का वाना से रोडे पर बंगे ना गाड़ी वाली सब वो सब दे रहे थे काम हुआ हो ना पर राहुल लड़के असनाथ प्रधान गाली दे रहे थे हम के घर, हम तो घर नहीं भैया, हम के लिया गए नहीं, लोन बुला के कि तो आली का पिटा था, हम डंडा पहना कुछ ना ले रहे, हम तो कहीं घर में आपस में करत हूँ लड़का वही लोग रहना मारते रहना हमारे वाले क्या के नहीं भैया हम हो के मरना हमारे लेगा के तो दांत टूट गल, आँख में लग लिया चोट, सर लीलार पर लगल दांत टूट गल 3 ठे। थाने पर किस ले आए थे? गाजियाबाद के लिंक रोड पर बंद पड़ी BPL कंपनी में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और धुएं का गुबार भी दूर तक नजर आने लगा। घटना की सूचना फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री बंद पड़ी थी और इसके अंदर कुछ भी मजदूर थे, इस कारण कोई हताहत नहीं हुआ। सतीश मठ पर फायर स्टेशन साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई थी, BPL फैक्ट्री में आग लगी हुई है जो 2002 से बंद चल रही है। तत्काल एफएसओ घटनास्थल के लिए रवाना हुए और 2 गाड़ी हमारी साहिबाबाद से, 1 गाड़ी वैशाली से, 1 गाड़ी
कोतवाली से फायर स्टेशन से घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर जाकर देखा गया कि प्रॉपर हम लोग को अप्रोच नहीं मिल रहा था फायर फाइटिंग के लिए, तो एफएसओ द्वारा तत्काल जेसीबी की सहायता से दीवार तोड़वा कर फायर फाइटिंग चालू करवाई गई। आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, कूलिंग की प्रक्रिया जारी है, इसमें कोई घायल नहीं है, कोई हताहत नहीं है। प्रयागराज में कई दशक से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंडिया कस्बा के लोग होली के दूसरे दिन सज धज के डीजे रोड लाइट ढोल नगाड़े के साथ दूल्हे को लेकर इंडिया कोतवाली में बारात लेकर पहुंचे, जहां पहले से ही बारातियों का इंतजार कर रहे कोतवाल हंडिया धर्मेंद्र दुबे और सिपाहियों ने बारातियों का जोरदार स्वागत किया और बिना दुल्हन के बारात लौट गई। बारात में मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष जवाहरलाल जायसवाल, मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह, सैफुल अब्बास, क्षेत्रीय मंत्री, काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, क्रांति तिवारी, नामित सभासद रतन केशरवानी सहित डीजे और ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित काशीराम कॉलोनी में एक शौचालय में महिला का शव मिला। घर पर दूध देने पहुंची पड़ोसी महिला ने घटना की जानकारी मृतका की मां को दी। वहीं परिजनों ने पति पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। महिला की हत्या होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही हत्यारोपी पति की तलाश में कई टीमें लगाई गई। क्षेत्रांतर्गत पड़ती है कखावतु कॉलोनी है, इसमें ब्लॉक नंबर 15 में सरिता वाइफ ऑफ सरमन, अभी लगभग 9:45 के करीब सूचना प्राप्त हुई है कि ये सरमन ने अपनी वाइफ का की हत्या कर दी है। मौके पर तत्काल पुलिस आई, सभी राजपत्रित अधिकारी आ गए हैं। देखा हमने बॉडी जो है जो टॉयलेट है उसमें पड़ी थी, तो गेट थोड़ा सा मेंट करके उसको निकलवाया है बॉडी को, तो गले पे चोटें दिखाई पड़ रही हैं और माथे पर भी चोटें हैं। पति की तलाश के लिए चार टीमों को लगा दिया गया। अलीगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ताजा मामला जिले के थाना दादो इलाके में दो मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में घर के इकलौते चिराग की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ने दूसरी बाइक पर सवार दोनों घायलों को लोगों की मदद से उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। तो वहीं एक्सीडेंट में मौत के शिकार हुए युवक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं एक्सीडेंट में घर के इकलौते चिराग की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद कुमार। कहाँ रहते हो? नंगला ढाक। थाना कौन सा पड़ता है? दादो पड़ता जी। अच्छा, ये कौन है जो एक्सपायर है और जो हमारी हुआ, पूरी बात बताओ। हमारी ये बुआ का लड़का है। क्या नाम है इनका? इनका नाम राहुल कुमार है। उम्र कितनी होगी? उम्र 20 वर्ष है। अच्छा, क्या मामला हुआ, पूरी बात बताओ। ये ननियाल से अपने गांव जा रहा था। कौन सा गांव है इनका? इनका गांव चंदाना रामपुर। थाना कौन सा पड़ता? थाना पड़ता पाली मुकिमपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं रास्ते में किसी बाइक से एक्सीडेंट हुआ। फिर अभी बता रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट होने से इसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई? जब हमको मालूम पड़ा, जब हम घर से आए तो हमको तो डेथ मिली है यहाँ पर आगे। ये एक एक्सीडेंट हुआ है, थाना दादो क्षेत्र में हुआ है। दो बाइक सवारों में ये आपस में भिड़ंत हुई है, जिसके बाद में हमारे पास तीनों मरीज यहाँ आए थे। तीन में से एक जो जिस अवस्था में आया था वो मृत अवस्था में आया था, जिसका नाम राहुल है, सन ऑफ चंद्रपाल है, जो कि चंदियाना रामपुर जो थाना पाली में लगता है उसका निवासी था। और जो दो लोग थे जो क्रिटिकल हालत में थे, जिनको फर्स्ट एड देने के बाद में हम लोगों ने रेफ़र कर दिया है अलीगढ़ के लिए, वो थे शैलेंद्र और रजनी। ये क्रिटिकल स्टेट में इनको रेफ़र कर दिया। उम्र क्या होगी डॉक्टर? 20 से 22 साल की उम्र है इसकी। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर्व।